हाई एवरी वन आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मैप फंक्शन की हेल्प से जे एस एक्स में लूप लगाना सीखा था और अब हम लोग ये देखेंगे कि इस लूप के अंदर एक कॉम्पोनेंट को रीयूज कैसे कर सकते हैं और ये भी सीखेंगे कि जब एक कॉम्पोनेंट लूप के अंदर होता है तो उसमें डेटा कैसे पास करा जा सकता है और राइट बट उन सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं देन एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देखेंगे देखो सबसे पहले हमें एक कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा मैप फंक्शन की हेल्प से हम लोग जेएसएक्स में एक लूप लगाएंगे इस लूप के अंदर हम लोग कॉम्पोनेट को रेंडर करेंगे और ये भी देखेंगे कि डेटा कैसे पास कर सकते हैं जो हमारा कॉम्पोनेट लूप के अंदर है उसके साथ में और थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करेंगे लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं ये रिएक्ट जेस नाइनटीन की प्ले है जो आपका जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेस की जॉब में प्रोजेक्ट में इंटरव्यूज में सो पूरी प्लेलिस्ट देखना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया सो अभी हम लोग क्या करते हैं जो भी आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है इस सबको हम लोग रिमूव कर लेते हैं जेसेक्स वाले कोड को सो यहाँ पे आपको टेबल दिख रही है ये वाली टेबल मैंने हटा दी देन हमारे पास एक स्टैटिक टेबल भी है ये भी मैंने हटा दी और यहाँ पे H1 वन टैग है इसका भी मैं आ, जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ सो so, मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया है रियूज़ कॉम्पोनेंट इन लूप और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो सो so, जो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे लेके रखा है इसी का रियूज़ करेंगे अदरवाइज ये हमें पूरा का पूरा दोबारा से टाइप करना पड़ेगा और इसका कुछ पॉइंट भी नहीं है बिकॉज लास्ट पार्ट में भी हम लोगों ने एग्जैक्ट सेम चीज़ करी थी सो so, यहाँ पे हम लोग जेस वाले ब्रेसिस लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डाटा इसके साथ में हम लोग मैप फंक्शन लगा देंगे और हमें पता है कि मैप फंक्शन क्या करता है एक फंक्शन uh, लेता है एज अ पैरामीटर सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और इसमें यूज़ कर दिया मैंने एक यूज़र नाम से पैरामीटर और यहाँ पर इन ब्रेसिस की जगह पर आप लोग चाहो तो राउंड ब्रेसिस लगा सकते हो वो बेटर रहेंगे और एक बार के लिए मैं यहाँ पर डिव लगा देता हूँ चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो एंड देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं चार बार हमें यहाँ पे हेलो आ चुका है बिकॉज चार बार लूप चला जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट्स हैं इस एरे के अंदर सब ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं है अब मैं क्या करता हूँ एक न्यू कॉम्पोनेट बना लेता हूँ सो so, मैं इस कॉम्पोनेंट का नाम रखूँगा यूज़र डॉट जेस एक्स और यहाँ मैं कौन लूँगा इसका नाम रखूँगा यूज़र आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि मैं एरे आ, एरो फंक्शन ले रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हो अदरवाइज अगर आप लोग चाहते हो तो नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट सो so, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और एक एरो फंक्शन इस तरीके से यूज़ कर लिया यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न के अंदर एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं एक एच वन के साथ में यूज़र कॉम्पोनेंट कूल है अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यूजर right एंड इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस डिव की जगह पे आप चाहो तो डिव यहाँ पे रख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से यूज़र वाला कॉम्पोनेंट ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे आते हैं तो हमें चार बार यहाँ पे यूज़र कॉम्पोनेंट लिखा हुआ दिख रहा है क्यों क्योंकि अब हमारा ये वाला कॉम्पोनेंट रियूज़ हो चुका है बट ऐसे रियूज़ करने का कोई पॉइंट नहीं है जब तक इसमें डाटा पास नहीं होता डायनेमिकली यानी कि प्रोप्स के साथ में डाटा नहीं जाता तब तक तो इस केस में मैं क्या करूँगा अच्छा एक चीज़ और जैसे ही आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना तो अगेन सॉरी आपको यहाँ पे की वाला इशू दिखेगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो जो आप लोगों ने यहाँ पे डिव लिया है इसके साथ में की डाल दो और की में क्या डालोगे यूज़र डॉट आई डी एंड नाव जैसे आप इसको रिफ़्रेश करोगे ये वाला इशू आपको नहीं दिखेगा सो so, अब आप क्या करोगे यहाँ पे लिख सकते हो डेटा और या फिर आप यूज़र लिखना चाहो तो यूज़र भी लिख सकते हो और इसके अंदर यहाँ पे पास कर दो यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट जो इस पैरामीटर से आ रहा है ये पास कर दिया अब इस कॉम्पोनेंट में आके इसको एज अ प्रोफ रिसीव कर लो सो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र सेम वही ऑब्जेक्ट डालना है यहाँ पे वही नाम डालना है जो आप लोगों ने यहाँ पे पास करा जैसे कि मैंने यहाँ पे यूजर पास करा तो यहाँ पे यूजर लिखना अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटा तो आप भी यहाँ पे लिखोगे क्या डाटा तो मैं डाटा के साथ ही करता हूँ के लिए कोई इशू नहीं है सेम चीज़ है एंड देन मैं यहाँ पे यह करता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एच टैग लिया तो इसकी जगह मैं एच टैग ले लेता हूँ थोड़ा छोटा रहेगा तो बेटर दिखेगा so, <laughs> सो सॉरी गैज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं बार बार मुझे कफ है सॉरी फॉर दैट और यहाँ पे नेम आ गया देन यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट नेम और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास सारे के सारे यूजर्स के नाम आ गए एक एक कॉम्पोनेट के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो बट मैं चाहता हूँ कि जो नाम है ना थोड़ा सा स्टाइल के साथ लगा दूँ थोड़ा सा अलग कलर दिखे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ एक स्पेन यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा स्टाइल और स्टाइल में यहाँ पे डाल दूंगा कलर जो भी आपको ठीक लगे जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन डाल दे रहा हूँ तो अब यहाँ पे नाम ग्रीन आ रहे हैं और पे नॉर्मल ब्लैक कलर में ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूं? दो तीन चीजें और लेता हूं। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूं, एच और यहाँ पे डाल दूंगा एच और लास्ट में एक और चीज़ क्या है आई डी और मैंने यहां पर क्या डाल दी ई एंड देर वी गो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ सही से काम कर रहा है बट ये नहीं पता चल रहा कि एक कॉम्पोनेट कहां पे खत्म हो रहा है कहां से शुरू हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ हर एक के लिए थोड़ा सा अलग से स्टाइल कर लेता हूँ जैसे कि ये मेरा एक कॉम्पोनेट है मुझे यहाँ पर पता चल रहा है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर दूंगा बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे दे देते हैं ग्रीन इसका बॉर्डर ठीक है चलेगा थोड़ी पैडिंग दे देते दे हैं दे चिपका हुआ लग रहा है तो यहाँ पर टेन पिक्सल पैडिंग दे देता दे हूँ थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं बिकॉज हर किसी का अपने बॉर्डर आएगा टेन पिक्सल यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ उसके बाद उसकी विथ भी फिक्स कर लेते हैं मैं इसकी विथ देता हूँ लेट से फोर हंड्रेड पिक्सल दे देते हैं ठीक लग रही है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लेट्स से टेन पिक्सल ठीक है अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे इसके अंदर कुछ ज़्यादा इशू लग नहीं रहा और अब हम लोग क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे पूरे को ठीक है मैंने इसको कॉपी करा और आपको कहाँ डालना है ये डिव है ना इसमें यहाँ पर स्टाइल कर देंगे आप क्लास वगैरह भी ले सकते हो क्लास कैसे लेनी है वो आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा बिकॉज जो स्टाइल वाला सेशन है वो भी हमें करना है उसके ऊपर अभी हम लोगों ने अब एक पार्ट बनाया नहीं है राइट तो यहाँ पे आप स्टाइल को डाल दोगे बट जब आपने यहाँ पे स्टाइल डाला ना इवन बेटर ये है कि एक ब्रेक इज लगा के यहाँ से पेस्ट कर दो इवन जो ये अब एक्स्ट्रा चीज़ें इनको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे कोर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे मैंने मुझे कोर्ट्स लगा दिए मैंने अब पैडिंग के साथ भी कोर्स लगाने पड़ेंगे और और यहाँ पे जो सेमी कोलर नुक, की जगह पे कोमा लगाना पड़ेगा ठीक है ये रिएक्ट का तरीका होता है स्टाइल करने का जब स्टाइल वगैरह का पार्ट हम लोग देखेंगे तब मैं आपको और भी डिटेल में बताऊँगा कि क्यों कोमा वगैरह लगाते हैं एंड इस तरीके से स्टाइल क्यों करते हैं एंड ऑल राइट देन लास्ट वन इज़ यहाँ पे है बॉर्डर रेडियस और जो ये हाइफन लगा हुआ है हम लोग हाइफन यूज नहीं करते इस तरीके से कैमल केसेस यूज करते हैं नाउ यू विल सी कि इस तरीके से हमारे पास कॉम्पोनेंट बने तो ये एक अलग कॉम्पोनेंट ये सेकंड टाइम कॉम्पोनेट रेंडर हुआ थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो इस तरीके से हम लोग कॉम्पोनेंट्स को बना के उनको रिराइंडर re कर सकते हैं आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इंटरव्यू क्वेश्चन देखो uh, एक तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ बोली जा सकती है कि एक uh, लूप लगाओ मैप फंक्शन के साथ जेसेक्स के अंदर एंड उसमें कॉम्पोनेंट को री uh, री यूज़ करके दिखाओ सेकेंड चीज़ आपसे ये पूछ सकते हैं जिसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा आप मुझे बताओ अदरवाइज आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर पता चलेगा कि रिएक्ट के अंदर हम लोग हाइफन यूज़ ना करके कैमल केसेस क्यों यूज़ करते हैं अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे जब हम लोग क्लास यूज़ करते हैं ना लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास यूज करता हूँ तो क्लास नेम जब यूज़ करते हैं उसके अंदर भी कैमल केसेस ही हैं यहाँ पे और जब भी हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तब भी आप लोग देखोगे मोस्टली uh, यहाँ पे एक एग्जांपल भी देता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक और फोर एच ठीक है uh, ये लेबल के साथ में होता है यूज़ एक लेबल लेता हूँ मैं और यहाँ पर देखता हूँ फोर एच टी एम ये यहाँ पर भी कैमल केसी लगा हुआ है तो हम लोग जब भी जे के अंदर या रिएक्ट के अंदर जब भी हम लोग एच लिखते हैं तो उसके अंदर कैमल केसेस यूज़ क्यों करते हैं हाइफनस यूज़ क्यों नहीं करते इसका आंसर मुझे आपको थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक like करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है थैंक्स गाइस